जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक तीन दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था, वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था, मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौट कर गाँव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है, अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए। मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे, सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। मान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था। वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहाँ से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो,
तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी, मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे, और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोल कर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही। जादुई खजाना। एक गांव में राजू और शिवा नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट होता तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। एक दिन शहर में कुछ काम होने के कारण वो दोनों जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ उनसे कहने लगा, ओ मुसाफिरों, ये रास्ते पर तुम्हें खतरा ही मिलेगा, किसी और रास्ते से चले जाओ। पेड़ की बातें सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गए। शिवा ने भी पूछा, कोई भूत या डाकू तो नहीं? नहीं, लेकिन उससे भी खतरनाक कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बात मान लो और वापस चले जाओ। पेड़ के इतना कहने पर भी वो दोनों नहीं माने। अब उनके मन में उत्सुकता जाग गई थी और उन्हें आगे क्या है देखना था। वो दोनों उसकी बात ना मानकर आगे निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने की पेठी दिखाई दी। उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। शिवा ने जवाब दिया, शायद इस खजाने को हमसे छुपाने के लिए ही उसने ये झूठ बोला होगा। चलो उस पेड़ की बातें छोड़ो और इस खजाने का क्या करना है ये सुन। अब इसे हम दिन में तो गांव नहीं ले जा सकते, गांव वालों को इसका पता चल जाएगा। एक जन यहाँ रुककर खजाने का ध्यान रखेगा और दूसरा गांव वापस जाकर खाना और इस खजाने को वापस ले जाने के लिए कुछ सामान लाएगा। राजू गांव चला गया और शिवा वहीं खजाने की देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद शिवा के मन में लालच जा गया और वो कहने लगा, काश मैं आज यहाँ अकेला ही आता और सारा खजाना मेरा होता, पर इस राजू को साथ लाने की वजह से इसे भी आधा देना पड़ रहा है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे मार दूंगा और सारा खजाना अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर तैयार बैठा था। दूसरी ओर राजू के मन में भी अब लालच आ गया था। मैं भोजन में जहर मिलाकर ले जाता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मर गया, और मैं खजाना लेकर गांव वापस आ जाऊंगा। वो जहर से भरी खजाने की थैली लेकर जैसे ही शिवा के पास आया, शिवा उसे मारने के लिए तैयार बैठा था। शिवा ने जो चाकू अपने हाथ में पकड़ी थी उसने उससे राजू को मार दिया। पागल कहीं का, आधे खजाने के लिए अपनी जान गवा बैठा। मैं भोजन करके सारा खजाना इस थैले में डालकर अपने साथ घर ले जाऊंगा। इतना कहकर बिना कुछ सोचे वो राजू का लाया हुआ खाना खाने लगा। जैसे ही उसने खाना शुरू ही किया था वो मर गया। पेड़ की बातें सच हो गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पैसा अच्छे से अच्छी दोस्ती को भी खराब कर सकता है। पंडित का अहंकार। एक गांव में परमानंद नामक पंडित रहता था। वह सारे विषयों में गुणवान होने पर भी बहुत ही अहंकारी था। उसको पता होने वाले विषय और किसी को पता नहीं करके अपनी बड़ाई करता था। उनके पास पांडित्य सीखने के लिए बहुत सारे शिष्य आते थे। उन सब में विजय बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का भी था। गुरुजी बहुत से हालातों में मेरे जैसे गुणवान और बुद्धिमान आसपास के गांव में कोई होगा क्या, बोलते हुए शिष्यों के सामने हंसता। शिष्य गुरु के डर से बोलते कि हाँ गुरुजी, आसपास के गांव में ही नहीं हमारे पूरे राज्य में ही आपसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं।
पर ये झूठा तारीफ विजय को अच्छा ही नहीं लगता था। एक दिन शिष्यों को पाठ पढ़ाते हुए पंडित फिर से उनके बारे में बड़ाई करने लगे। किसी भी तरह उनकी इस आदत को छुड़ाना होगा और गुरुजी के अहंकार को तोड़ना ही होगा करके विजय ने सोचा। गुरुजी, हमारे उत्तर के दिशा के विजयपुर नामक गांव में बहुत सारे बुद्धिमान हैं। आप अगर उन गांव वालों से भी बुद्धिमान सिद्ध हो जाएंगे तो आपकी महानता और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। चलो फिर भी वे लोग आपके बुद्धि के मुकाबले नहीं आते होंगे। तो पंडित ने कहा, अच्छा अभी जाकर उन्हें मेरी बुद्धि का परिचय दूंगा। बोलकर विजय को साथ लेकर विजयपुर के लिए निकल पड़े। उनको उस गांव के सरहद पर कुछ गाते हुए पशुओं को पालने वाला दिखा। मेरी बुद्धि से पहले इसे हराऊंगा, बोलते हुए पंडित उसके पास गया। अरे सुन, मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देगा क्या, बोलकर पूछा। उसके लिए वह मान गया। पहला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है, करके पंडित ने पूछा। हवा, करके उसने विनम्रता से कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे उत्तम जल, गंगा जल। तीसरा प्रश्न, सबसे ज्यादा उत्तम स्पर्श क्या है, चंदन की लकड़ी से बनाई हुई, बोलकर उसने जवाब दिया। अब पंडित ने कहा, शाबाश, मेरे दिल में भी यही जवाब थे, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बोलकर उस आदमी से कहा। पंडित के उन बातों से वह गिर गिर कर हंस पड़ा। तो पंडित ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। तब उसने कहा, क्षमा कीजिए, मेरे गलत जवाबों को आपके सही बोलने पर मुझे हंसी आई। तो उनके सही जवाब बोलोगे, करके पंडित ने जोर से पूछा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दिमाग है, सबसे उत्तम जल रेगिस्तान में मिलने वाला, और सबसे उत्तम स्पर्श माँ की गोदी। उसके इन जवाबों से पंडित चौंक गया। यही इतना बुद्धिमान है तो पता नहीं विजयपुर गांव के लोग और कितना बुद्धिमान होंगे, सोचकर हार मानते हुए लौट गया। ऐसे गुरुजी का अहंकार पूरी तरह से टूटने पर विजय को बहुत खुशी हुई। इस कहानी की शिक्षा है कि अहंकार का कोई लाभ नहीं।